अगर गाइस आपके स्किन में भी पिंपल आ गए हैं, शाइयाँ आ गई है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, जिससे आपकी बहुत परेशानियाँ बढ़ गई है, तो आज आपकी परेशानियों का एक ज़बरदस्त इलाज लेके आई हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा 100% आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, और आपकी स्किन भी आप देख सकोगे कि आपकी स्किन धीरे धीरे कैसे आपकी स्किन ग्लो करने लगी है, आपकी स्किन में जो पिंपल्स है, जो पिगमेंटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। एक ऐसी रेमेडी आपको बना के दिखाऊंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको सूट करेगी। सेंसिटिव स्किन वाले हो या कोई भी हो, सभी को ये सूट कर देगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को साइड इफेक्ट नहीं होगा। लड़के हो या लड़के हो, सभी लगा सकते हैं। मैंने भी गाइस इसे बना के यूज़ किया था, तो मेरा भी फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था गाइस, बहुत ही ज़्यादा पिंपल आ गए थे, पर इसकी वजह से मेरा फेस बहुत ही क्लीन हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ ये रेमेडी कैसे तैयार कर। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमने ये यूज़ करने हैं वो है कोलगेट और शहद। ये हमने दो इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करने हैं गाइस। तो आपने कोलगेट वाइट वाला ही लेना है, बिना सॉल्ट वाला। तो गाइस टूथब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांत साफ़ करने के नहीं बल्कि स्किन केयर के लिए भी हम कर सकते हैं। ये पिंपल से लेकर दाग धब्बे दूर तक करने तक, हमारे शरीर की बदबू मिटाने तक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इसका रिजल्ट भी आता है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने यूज़ करना है शहद। शहद हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइटनेस करता है, और स्किन को एजिंग से बचाने में हमारी हेल्प करता है, और पिंपल दूर करने में भी, लाइट करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस अभी मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स हमने कैसे, ये रेमेडी हमने तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं कोलगेट, और एक चम्मच भर के हमने कोलगेट लेनी है, और अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये एक चम्मच भर के मैं कोलगेट ले रही हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है गाइस। और गाइस साथ में ही टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसेन, बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, जो पिंपल ठीक करने और हमारे स्किन की रंगत को निखारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा गाइस। और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ इसके बाद शहद का। शहद स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है गाइस। आप इसको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो गाइस, हर इंग्रेडिएंट्स में ये यूज़ होता है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्किन की रंगत को क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है, स्किन की टैनिंग को दूर करने में, स्किन को निखारने में, एजिंग, एंटी एजिंग का काम करता है गाइस। तो इस सब दोनों इंग्रेडिएंट्स हमने, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करने हैं। यही आपने हफ्ते में दो बार या तीन बार यूज़ कर सकते हो। लड़के हो या लड़कियां हो, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा गाइस। मैंने भी यूज़ किया है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है रेमेडी है ये, पिंपल के लिए सबसे बेस्ट है, पिगमेंटेशन के लिए, शाइयों के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा गाइस, आप इसे बेफिक्र होकर इसे यूज़ कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस। तो वो आप इसे ऐसे मिक्स करके अच्छी तरह से, फिर आपको मैं फेस पे लगा के दिखाती हूँ। पहले आपने स्किन को अच्छी तरह से धो लेना है, क्लीन कर लेना है, उसके बाद इसे आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो 15 मिनट रखना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे क्लीन करना है। जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, शाइयाँ हैं, वहाँ वहाँ आप ये रेमेडी यूज़ करें। गर्दन तक भी आप इसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट।